छोड़ा है जहान नीच, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मिलो दूर ये वादियाँ, घर धुआं धुआं तन हर बदली चली आती है छूने, पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला ये भी ना हो। So hi, hello everyone. I am Milan Singh, back on my new blog after a long time. So yes, first I'll show you the place where I have visited. I mean, where I'm staying. Wait a minute. So yes, it's a guest house. I am in Dehradun right now. And yes, I am with my brother and one my friend. So yes, I have come in here for my cousin's wedding, and it has been completed yesterday. So yes, we are planning now to, you know, to explore some like places like Mussoorie, Dhanaulti and Rishikesh, Uttarakhand, Rishikesh and Haridwar. So yes, so today we are planning to visit two places, Dhanaulti and Mussoorie, and explore both of the places. So yes, we are in the bus moving to Mussoorie, and this is my brother Mitesh. This is my friend, one and only friend Shikant. Can you wave? Hi. So yes, क्या बोलते हो भैया, मजा आ रहा है, एक्साइटेड हो? अरे क्या बात है। अभी उल्टी की है, इसने उल्टी किया है और पूरा ये गद्दा किया है हाँ, और अभी बोलता है अब मैं रिलैक्स हो गया। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये उल्टी करने के बाद रिलैक्स हो गया? तो इसको रोज उल्टी करा करा के लेके जाते हम लोग। तो बता तुझे व्यू देख के कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है, फुल ऑन एकदम फर्स्ट एक्सपीरियंस। कैसा? पहली बार है। बस हाँ, बस तो बहुत ही जिग-जैग जा रहा है, मतलब पेड़ भर के मत जा रहा है। जस्ट नाउ वी गेट डाउन फ्रॉम बस, और अभी हम ये मॉल रोड से जस्ट 100 or 200 meters पहले उतारा है हमें बस से, और अभी हम चल के जा रहे हैं, और फिर यहाँ पे हम एक घंटा रुकेंगे। लेट्स सी, हम देखते हैं क्या क्या देख सकते हैं। सो मैं आपको व्यूज बताता हूँ। कैसा लग रहा है ब्रो? मज़ा आ रहा है। मॉल रोड पे अभी आ गए हम, और बस व्यूज अभी मैं दिखाता हूँ कैसे व्यूज है यहाँ के। कैसा लग रहा है मित्तू? बहुत अच्छा, नया एक्सपीरियंस है, बहुत सुना है मसूरी के बारे में, देखते हैं क्या देखने मिलता है। सो प्लीज स्टे ट्यून। का ये देख रहे हैं श्रीकांत, जो यहाँ का क्लाउड्स दिखता है ना ब्रो, वो तो मतलब गाइस, अभी मैगी खाने के लिए बैठे हो आप लोग। कैसा लग रहा है ये मॉल रोड घूम के आपको? आर यू एंजॉयिंग दिस?
कितना एंजॉय करे उतना समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा आपको? मित्तू आपका क्या कहना है, कैसा लगा आपको मॉल रोड? अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी फिलहाल हम लोगों को थोड़ा भूख लगा है तो हम मैगी खा रहे हैं। तो यस गाइस, अभी यही मैगी जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में दिखाया ये है। और ये रहा मॉल रोड पूरा, अभी वहाँ पे जाके भी निकालूंगा। तो यस अभी हम इनसे पूछ रहे हैं कि यहाँ से कैसे जाना है, क्या है। एक दिन के लिए पूरी आपको तो यस वो बता रहे हैं, वो मेरा भाई पूछ रहा है कि कैसे जाते हैं, क्या है, वो कर रहे हैं। तो यस अच्छा लग रहा है, एक्सपीरियंस अच्छा है। हमने थोड़े वीडियो भी शॉट किए, एक सॉन्ग का सोच रहे हैं उसका शॉट किया है वीडियो, और रेस्ट पिक्चर्स निकाले हैं। मैं वहाँ पे जाके भी अभी बनाऊँगा वीडियोज़ एंड ऑल, व्लॉग भी अभी ऐड करूँगा वहाँ पे। एक मिनट, चालू किया? चालू कर दिया तूने? अरे यार बताया ने, हो गया चालू, हो गया, इतना टाइम नहीं लगता भाई। नाउ वी हैविंग मैगी और यहाँ पे हम पिक्चर्स वगैरह भी ले रहे थे। मसूरी और ये बहुत फेमस जगह है मॉल रोड, और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और खा के देखता हूँ कैसा बना है उसने। फुल ऑन मसाला ब्रो, फुल ऑन, और गरम गरम है। तो अभी मैं बनाता हूँ, तू आगे फटाफट का इस पे लेके आ फोकस, उठा यहाँ से और बता कैसा लग रहा है। नाउ डोंट टेल कि अच्छा नहीं है। क्या बात है ब्रो। मित्तू आपने नहीं बताया कैसा लगा, आप जो खा रहे हैं आपका खाने में ध्यान रहता है क्या सिर्फ? जो काम के लिए आया वो कर लेते हैं, ये गलत बात है। आपका यही डायलॉग रहता है, आप जो काम के लिए आए कर लेते हैं, फिर अभी खा रहे हैं। और मैगी की असल बोलते ना इज फील, वो फील माउंटेन्स में ही है। ओ ब्रो, ब्रो ब्रो सो हम यहाँ पे अभी ये लक्ष्मी रेस्टोरेंट है फास्ट फूड, वहाँ पे आए और यहाँ पे स्वीट्स वगैरह भी बहुत अच्छे। मैं सोच रहा हूँ रसगुल्ला वगैरह खाऊं, और अभी हमने मैगी खाया फिर भी हमारी भूख नहीं गई, तो हम यहाँ पे आए और अभी ये लोग ने ये ऑर्डर किया है, अभी मैं रसगुल्ला ऑर्डर करूँगा और खाऊँगा। सो देखते हैं आगे और क्या क्या है। अभी तक मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया है, सोच रहा हूँ रसगुल्ला खाने के लिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं बड़े बड़े एकदम। आई एम प्लानिंग कि मैं वो एक खाऊं, फिर उसके लिए हम लोग उसके बाद हम लोग निकलेंगे धनौल्टी के लिए। सो इट विल टेक एन आवर आई गेस, तो वो करके और फिर हम मसूरी में दो तीन पॉइंट्स और जाएंगे, और वहाँ पे घूमने के बाद में फिर वापस रिटर्न टू गेस्ट हाउस। ओके सो वी आर रेडी फॉर ट्रिप धनौल्टी। हमने एक्टिवा ले ली है और रुको रुको एक मिनट, मैं दूसरा व्यू ये देखो, ये मेरा फ्रेंड है, इसने एक्टिवा ले ली है और अभी राइड करना है। एक्साइटेड बोलना, यस एक्साइटेड बोल, यस एक्साइटेड, यो ब्रो चल। मजा आ रहा है मित्तू ना, तेरे मिरर से शॉट ले रहा हूँ मैं, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है चलाने में? अच्छा, बहुत दिन से सोचा था हाईवे पे चला, मतलब ऐसे रूट्स पे चलाएंगे माउंटेन्स पे। एक्टिवा या बाइक टू व्हीलर मौका नहीं मिल रहा था, बट इस बार मिला है तो बहुत मजा। कैसा लग रहा है माउंटेन्स में चला के ब्रो? यो तो यस अभी हम यहाँ पे पेट्रोल पंप आए और पेट्रोल भरेंगे, क्योंकि सिर्फ एक्टिवा उन्होंने दी है, और पेट्रोल भर के फिर हम निकलेंगे। यस यस, तो बस हमारा टर्न भी आ गया, हम अभी ये पेट्रोल भरा के एंड देन फिर विल कंटिन्यू अवर धनौल्टी। रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, बोलना। अच्छा ऐसा है क्या?
ब्रो। आंखों को सुकून मिल रहा है आपके। श्रीकांत, हाउ यू फीलिंग ब्रो? यू फीलिंग गुड? देख, लिटिल बिट ऑफ ओल्ड मॉम ब्रो। अभी दिखेगा, पहले मैं अपना निकाल रहा हूँ वीडियो ब्रो। सो फाइनली वी हैव स्टॉप ऑन अ नॉट ऑन डेस्टिनेशन बट एक यहाँ पे जगह है वहाँ पे जहाँ से हमें ये बर्फ दिख रहा है पूरे पहाड़ पे माउंटेन्स पे, तो हमने सोचा हम रोक लें। संभल के श्रीकांत, संभल के, इसीलिए तो रोके ना हम लोग। क्या फ्रंट कैसे करूँ? अरे भैया हमारा मोबाइल नहीं है, तुम्हारा मोबाइल है। सो गाइज, वी हैव अराइव्ड सुकर, क्या नाम है ये टेम्पल का, एक मिनट, सुरकंडा टेम्पल। यस, सो इट्स वेरी कोल्ड यार, रास्ते में इतना ठंडी लग रहा था, हाथ पूरा दम पूरा रेड हो गया, इतना चिल्ड हो गया है पूरा। बाकी सब तो पैक है बट हैंड ग्लव्स लेना भूल गए हम लोग, तो ये पूरा चिल्ड हो गया है। और मैं अभी ये व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। स्टेप्स हैं यहाँ पे थोड़े से और भी हम जा रहे हैं ऊपर, बट मज़ा भी आ रहा है, एंजॉय भी बहुत कर रहे हैं हम। और गाइस ये तो बहुत ऊपर है, मुझे लगा बस इतने स्टेप्स है, चढ़ के जाना है और ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ से जो लोग उतर रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि ये तो बहुत ऊपर है, टाइम लगेगा। तो हम लोग ने सोचा कि प्लान कैंसिल करते नीचे जाते हैं, लेकिन फिर ये सोचा कि वापस आए तो फिर अगर चले ही जाएं तो अच्छा है। तो यस, अभी हम जा रहे हैं। दोस्त लोगों का तो हालत ख़राब है, कोई इन लोगों का हालत ख़राब हो गया इतने में और ऊपर जाना है। सांस फुल रहना तेरा, इधर हाथ लगा, धक 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 धक। अब क्या करें, अब आए हैं तो जाना तो है ही। भाई पानी नहीं है ना वैसे। तो फाइनली आई रीच्ड, बहुत ही हालत ख़राब हुई है, पूरा चढ़ान है, आधा घंटा लगा मुझे चढ़ने में, बट यस फाइनली आई री अराइव्ड। मेरे भाई और मेरे फ्रेंड्स पीछे ही है, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ इसका। एक्चुअली हालत ख़राब हो जाती है, आने का मन नहीं करता है आधे रास्ते, क्या 10-20% के बाद आपको लगेगा जाना चाहिए, बट जब हम उतर रहे थे हमने किसी को पूछा कि भाई कितना दूर है, उसने बोला बहुत टाइम है, तो हमने सोचा चलो यार निकल जाते नहीं जाना, बट उसने भी कहा कि आप ऊपर तक पहुँच जाएंगे ना एक बार तो आपको सुकून मिलेगा। और फाइनली यहाँ पर आने के बाद सुकून मिल रहा है। मैं अपने फ्रेंड्स लोग, मतलब भाई और मेरे फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ,
और उसके बाद फिर हम निकलेंगे यहाँ से। सो यस, कैसा लगा? बहुत मज़ा आया ना तुझे? बहुत मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि मतलब तू बता ही नहीं सकता है कितना मज़ा आया। अब लेकिन वर्थ लग रहा है ऊपर आके? वर्थ है ना? एक फ्रेंड अभी आ ही रहा है। सो ये फाइनली मेरा फ्रेंड भी आ गया है, अभी इसको पूछते कैसा लगा। बोल रहा है नीचे से, ये तो बोल रहा था 25% कंप्लीट होने के बाद चल चल जाते हैं, मेरे से नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। और ये प्लेस पे लाने वाला यही बंदा है और यही मना कर रहा था और यही अभी आया। देखो तू ही चे हो, हाथ दे। अब बता, अब लग रहा है वर्थ आने के बाद? नजर घुमा के देख। लग तो रहा है, लग तो रहा है। क्यों कंफ्यूजन में? क्यों लेना है? हाँ, अब आशीर्वाद लेना है, दर्शन लेना है। तो भी हम यहाँ से निकल रहे हैं, दर्शन हो गया हमारा और भी दो तीन पॉइंट्स है वहाँ पे भी हमें जाना है। तो बस हम यहाँ से अभी निकल चुके हैं, लेट्स सी कितने देर में उतरते हैं। हाफ एन आवर में तो आ गया था मैं, 15 मिनट्स या 20 मिनट्स में भी लगेगा उतरने के लिए। फ्रेंड्स कैसा लगा? मज़ा आया वहाँ पे? बोल दे मज़ा आया ना? मित्तु कैसा लगा वहाँ पे? व्यू बहुत अच्छा था, नो डाउट, मंदिर भी बहुत अच्छा था। चलो देता है बंदा। चलो अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये सब रेडी हो रहा है, इतना टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट्स में हो जाएगा। और जिसको भी अगर आना है तो वो 3 महीने बाद आए, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूछा है वो 3 महीने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। तो 5 to 7 मिनट्स में आप ऊपर दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के लिए पूरा ऊपर नहीं, पूरा ऊपर नहीं। ठीक है, सो नाउ वी आर रिटर्निंग फ्रॉम द टेंपल और इको फॉरेस्ट था बीच में, एक और पॉइंट था, बट नीचे लोगों को तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप वो टेम्पल जाते हैं तो उससे अच्छा मिलता है। तो हमने सोचा टाइम वेस्ट करने से बेटर है मसूरी जाते हैं, वहाँ पे दो तीन पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लोर करते हैं और फिर रिटर्न टू देहरादून। सो आप लोग व्यू देखिए यहाँ का, व्यू दिखा दो, बहुत अच्छा व्यू है, ठंडी बहुत लग रही है, दबा के ठंडी है यहाँ पे। और बस अभी हम जा रहे हैं, देखना ये रास्ता ही नीचे। सो यस गाइस, क्लाउड एंड पे हम आ चुके हैं, ये क्लाउड एंड एक्चुअली बहुत लेट हो गए, फिर भी हमने मैनेज किया, वहाँ से हम निकले, यहाँ पे हम लोग आए हैं, हमें ऑलमोस्ट 2 घंटा लग गया आने के लिए और बहुत लेट है हम लोग, बट देन टू हमने पिक्चर्स वगैरह क्लिक किए हैं, बहुत अच्छा लगा है और ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहने वाला है। और ये मेरा फ्रेंड भाई, क्या ठंडी क्या है, बहुत ठंडी है ना, मास्क तो निकल। हाँ, रोंगटे भी जाम हो गए। ठंडी कैसी है ब्रो? बहुत अच्छी है, मज़ा आ रहा है। 2 मिनट होल्ड पे रहना आप, मैं फ़ोटो खिंचा लेता हूँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा एक मिनट, फ़ोटो निकाल रहा है, ठीक है मैं इधर हो जाता हूँ। बट फाइनली हमने स्पीड राइड किया और हम आ गए, व्यूज़ दिखाता हूँ आपको।
सो क्लाउड एंड्स हमने फाइनली कवर किया, जितना हुआ ऑलमोस्ट हो गया। और अभी हम हैं यहाँ पे, आपका वापस से मॉल रोड में आ गए हैं और अभी देहरादून के लिए हम बस पकड़ने वाले हैं। मैं नाइट व्यू दिखाना चाहता हूँ आपको, ये कैसा है देखिए।